सो गाइस, रिसेंटली मैंने ये ड्रोन पिज़्ज़ा बनाया। अभी कमेंट सेक्शन में कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम आपने ड्रोन पिज़्ज़ा को उड़ा के नहीं दिखाया। थोड़ा नज़दीक से देखो, थोड़ी क्रेविंग बढ़ाओ। देखो यार, इतनी अच्छी रेसिपीज़ ला रही हूँ, सब्सक्राइब करना तो बनता है। सबसे पहले आपको लेना है गुनगुना पानी। पानी गुनगुना ही लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। अगर ज़्यादा गर्म लेंगे तो यीस्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर और इसे डिज़ोल्व कर लेना है। ऐड करेंगे 1 टीस्पून ईस्ट और इसे ढक के रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। ईस्ट को रख देना है साइड में, जैसे मोदी जी ने अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक को कर दिया साइड में। और एक बाउल में लेना है 2 कप मैदा, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग। अब इसे कर देना अच्छे से मिक्स। 10 मिनट हो चुके हैं, ईस्ट चेक कर लेते हैं। ओके, इसके फ्रॉदी टेक्सचर से पता चला है कि एक्टिवेट हो चुकी है, तो इसे फ्लोर में ऐड कर लेंगे। अब इसे नीड करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर ले ताकि ये आपके हाथों पे चिपके नहीं, वरना ये तो हाथ धो के पीछे पड़ने वाली चीज़ है। फिर से 10 मिनट तक घुसे मार मार के इस पर अपना सारा गुस्सा निकालना है। और जब गुस्सा निकल जाए, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए, तो इसे बड़े प्यार से टक करना है और एक मुलायम सॉफ्ट बॉल का रूप दे देना है। और उसी बॉल में रख देना है, ढक देना है प्लेट से और 2 घंटे के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे। ड्रोन पिज़्ज़ा की स्टफिंग के लिए मैंने लिया है फाइनली चॉप अनियंस, एलापिनोस, कैप्सिकम और रेड येलो बेल पेपर्स। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजीज ले सकते हो। और इसमें ऐड करना है पिज़्ज़ा सॉस, मेयो, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 hours later कॉन्ग्रेट्स गाइस, डो डबल हो गया है साइज में, मेक वन गेट वन फ्री। अब इसे पंच करके इसकी सारी हवा निकाल देनी है और रोलिंग सरफेस पे थोड़ा सा मैदा लेके इसे गोल गोल बेल लेना है। मैं यार डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 मीडियम साइज के ड्रोन पिज़्ज़ास बना रही हूँ, बट अगर आप चाहो तो इस पूरे डो से आप एक लार्ज ड्रोन पिज़्ज़ा भी बना सकते हो। इस पॉइंट पे आपको अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन एंड ग्रिल मोड पे प्री हीट कर लेना है 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए। अगर आपके माइक्रोवेव में कन्वेक्शन प्लस ग्रिल मोड नहीं है तो सिर्फ कन्वेक्शन मोड पे भी आप इसे प्री हीट कर सकते हैं। अब इसे मीडियम थिकनेस का राउंड शेप में बेल लेना है। इसे एक माइक्रोवेव प्लेट पे ट्रांसफ़र करके उसके बीच में रखना है एक छोटी सी कटोरी या प्याली और चारों तरफ से अपनी वेजीज लगा देनी है जो हमने अभी तैयार की थी और उसके ऊपर से खूब सारा मोज़रेला चीज़। अब इस कटोरी को आपको कैसे उठाना है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, वापस आ जाओ, रेसिपी पे ध्यान दो। आपको जिस तरह से 4 कट्स बनाने हैं नाइफ या पिज़्ज़ा कटर की मदद से और सेंटर को एंड्स पे चिपकाना है। मैं हल्का सा पानी यूज कर रही हूँ इनको प्रॉपरली सील करने के लिए। पानी चिपका लो, हाँ अब चिपका लो। इसके ऊपर से थोड़ा सा और मोज़रेला चीज। चीज किसको नहीं पसंद है यार, और मेरे घर वाले तो मुझे बचपन से ही चीज खिलाते आ रहे हैं। इसे डेकोरेट करेंगे ब्लैक ऑलिव से, ये सिर्फ शोबाजी के लिए है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और इस पे ब्रश करेंगे मेल्टेड बटर जिसे मैंने सीजन किया है चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग से। और इस पे अच्छे से बटर लगाने के बाद इसे बेक करेंगे कन्वेक्शन प्लस ग्रिल मोड पे 12 टू 15 मिनट्स के लिए, या फिर सिर्फ कन्वेक्शन मोड पे भी आप इसे बेक कर सकते हैं। तो हमारा ड्रोन पिज़्ज़ा रेडी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनता है ये। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।